ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही बेल आइकन को दबा के सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर्स में आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दाल दान खट्टू की रेसिपी, जो रांधेरी एक डिश है जिसमें खट्टी मीठी दाल होती है और राइस राइस के ऊपर भी तुअर की दाल डाल के एकदम मस्त बना के रेडी रखते हैं। वो बहुत ही अच्छी डिश है, खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है और नॉर्मल दाल तो हम लोग खाते ही हैं, इससे थोड़ा टेस्ट भी चेंज होता है। तो आइए बनाते हैं दाल दान खट्टू। दाल दान खट्टू बनाने के लिए हमें सबसे पहले डालना है, ये पैन के अंदर मैंने तेल ले लिया है, ये 2 बड़े चम्मच के बराबर है। इसके अंदर अब हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, ये आप तीखा जितना लेते हो उस हिसाब से। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करना है, क्योंकि दाल दान खट्टू जो है उस पर खटास और मिठास ज़्यादा लगती है, तीखापन इतना नहीं आता। जो तीखापन है वो सिर्फ टेस्ट के लिए ज़रा जैसा ही रखना होता है। जो लहसुन अदरक और मिर्च का जो पेस्ट है उसको अच्छे से भून लेना है, ताकि कच्चेपन का कोई भी स्वाद ना रह जाए। इसके अंदर डालेंगे दाल, ये जो दाल जो है तुअर की दाल जो है ये वो ही है, उसको मैंने पहले बॉईल किया और फिर मिक्सी में पीस लिया और एकदम पतला पेस्ट बना दिया है। अब इसको हम लोग डाल देंगे इसके अंदर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छे से खींच के आए। आप इस डाल के अंदर थोड़ा पानी भी डालना है, ताकि ये अभी जो बहुत ठीक है उतनी ठीक ना रहे, हमें इसको ग्रेवी करना है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रखना है। अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए, फिर उसके अंदर पानी ऐड करते हैं। करीबन मैंने 2 कप जितना पानी डाला है, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक से नॉर्मल पे आ जाए, हमें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रखनी है, क्योंकि अभी हम इसको कुक करेंगे तो और ज़्यादा थोड़ी ठीक होगी दाल। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग, ये इमली का पल्प है, ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो इमली का पल्प डालेंगे इसके अंदर, जिससे इसके अंदर खटाई आएगी और इसके अंदर जाएगा ये गुड़। गुड़ की जगह पे आप शक्कर भी ले सकते हो। अब इसके अलावा इसके अंदर जाएगा प्याज, ये छोटा सा प्याज है जिसको मैंने स्लाइस काट के रखा हुआ है। और इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर 1 चम्मच और जीरा पाउडर 1 चम्मच, और इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ और सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हमें टेस्ट करके देख लेना है कि और खटाई या मीठा थोड़ा और चाहिए या नहीं, उस हिसाब से फिर हमें गुड़ या कुछ भी हमारे टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है। इसके अंदर गुड़ की और इमले के पल्प की कोई एक्चुअल में कोई अमाउंट नहीं है, वो सब लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ही करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खट्टा खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बना सकते हो। और ये रेसिपी ये यही सबसे अच्छी बात है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही पूरे दाल को एडजस्ट कर सकते हो। इसको अब हम लोग थोड़ा उबलने देंगे, हमने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितना नमक चाहिए। और इसके अंदर जाएगा आप ये नारियल जिसको मैंने लंबा लंबा छीन लिया है, इसको हम लोग डाल देंगे।
और इसके अंदर जाएगा ये अंडा। ये एक बॉयल अंडा है जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसको भी हम लोग अंडा डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे उबलने के लिए। एक उबाल आ जाए उसके बाद हम देखेंगे आगे का स्टेप। अब हमारी दाल उबल चुकी है, इसके अंदर एक लास्ट स्टेज बाकी है। इसके अंदर अब चने का आटा एक बड़ी चम्मच, उसको हमें पानी के अंदर मिक्स करना है अच्छे से और फिर उसको अंदर डाल देना है। और यही स्टेज पे जैसे ही ये थोड़ा और उबल जाए, इसके अंदर नमक और खटास और मिठास ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है कि कैसा है। अगर कोई भी चेंजेस करने जैसा लगता है तो यही स्टेज पर हो। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको धीमी आंच पे होने दीजिए। सो फ्रेंड्स, हमारा दाल दान खट्टू जो रांधेर की रेसिपी है वो रेडी है। आप देख सकते हो दाल भी कितनी बढ़िया बनी है। साथ में मैंने ये पोटैटो को मैंने मसाले में तल के एकदम क्रिस्पी मसाला मार के तल दिया है। और साथ में ये जो है ये बैगन है, बैगन को भी मैंने साथ में कर दिया है फ्राई। बहुत ही अच्छा लगता है इन दोनों चीज़ों के साथ। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और आगे भी ऐसे ही अच्छे रेसिपीज लाता रहूँ, इसके लिए मुझे मोटिवेट करते रहिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको कोई भी रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो ज़रूर से बनाऊँगा। थोड़ा आगे पीछे होगा लेकिन बनाइए ज़रूर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।